हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। दोस्तों, कल से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कल दो दिन से करीब वीडियो नहीं आ रहा था। रीजन ये था कि एक बच्चे ने, एक भाई ने कमेंट किए थे कि सर चीजें आपका दिख नहीं रहा है साफ साफ, तो हम थोड़ा लाइट पे काम कर रहे थे और उम्मीद करते हैं अब ऐसा परेशानी आप लोग को शायद नहीं होगा। तो दोस्त, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तीन पॉइंट डिस्कस किए थे। क्या क्या डिस्कस किए थे साथियों, थोड़ा सा रिवीजन हम करवा देते हैं। पहला नंबर, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह किधर से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई किरण फोकस बिंदु से ही आपतित होती है, ये कोई दर्पण है, ये वाला है, अगर यहां पे फोकस बिंदु है, इसी से कोई किरण आपतित हो रहा है तो ये इसके समांतर गुजर जाता था ना दोस्तों, तो ये वाला इमेज भी हम समझाए थे उस दिन। तो ये सारी दो बातें बताए, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो फोकस से बिंदु से होकर गुजरता है, दूसरा अगर फोकस से ही आपतित होता है तो ये किधर से होकर गुजरता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तीसरी बातें हम क्या बताए थे साथियों, तीसरी बातें बताए थे यह है कि अगर कोई किरण, यदि कोई किरण कहां से, अगर इसके सेंटर से सी वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वो वक्रता केंद्र पर ही रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वो वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित किरण गुजरता है। तो ये तीन बातें बता चुके हैं हम, तो आप नहीं देखे वीडियो तो वीडियो देख लीजिए जाकर के, चैनल पे जाके मिल जाएगा साथियों, ठीक है। अभी आप लोग, हम लोग थोड़ा इमेज के बारे में समझते हैं। तो इमेज को समझने से पहले कुछ मुख्य बातें आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है दोस्तों, क्या क्या कि अगर किसी भी जगह से कोई भी वस्तु कहीं पे अगर स्थित है तो उसका इमेज को बनाने के लिए वहां से, उस वस्तु से दो किरण हमें गुजारना पड़ता है। दो किरणें जब गुजारते हैं तब हमें पता चलता है, दो किरण जब गुजारते हैं तब जहां पे जो कटता है, जहां पे दो किरणें जाके कटती है उसी जगह पे उसका इमेज बन जाता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए सबसे पहला ध्यान देते हैं, जब वस्तु फोकस बिंदु, बिंदु छूट चुका है यहां पे, फोकस बिंदु आप समझिए, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में स्थित रहता है तब उसका इमेज कैसे बनता है और किस प्रकार बनता है, आइए समझते हैं। तो ये वाला अपना दोस्तों, सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अवतल दर्पण पे समझिए, टेंथ में भी अक्सर है, ठीक है, टेंथ में भी क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु का आरेख खींचिए, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछ देगा, तो बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए चीजें ध्यान से। तो ये वाला अपना अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां पे अपना पोल है, ये अपना फोकस बिंदु है, ये अपना वक्रता केंद्र है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं साथियों वक्रता त्रिज्या, क्लियर चीजें। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हम देखिए वस्तु को क्या किए हैं, यहां पे रखे हैं, देखिए ये वाला वस्तु दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये वस्तु रखे हैं, ए से बी तक वस्तु रखे हैं, पहला किरण इसके इधर समांतर गुजरा, मतलब देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, तो इसके समांतर ये वाला किरण गया। अब हम आपको बता चुके हैं कि साथियों जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाता है तो वो कहां से होकर गुजरता है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, क्लियर चीज है। तो ये वाला किरण को हमने फोकस बिंदु से होकर गुजारा है और इसको थोड़ा इधर की ओर भी बढ़ा चुके हैं। अब एक किरण आपको भेजना है जस्ट सेंटर से, यहां से कोई टॉर्च वगैरह जलाया तो देखिए, आपको ये भी हम बता रखे हैं साथियों कि जब कोई किरण अगर कहीं से भी वस्तु टॉर्च जलाएगा, अगर उसके सेंटर से जा रहा है, सेंटर से आपतित हो रहा है या सेंटर पे जा रहा है, तो वो सेंटर से ही फिर पुनः रिप्लाई कर देगा। तो ये यहां से आया अब फिर रिप्लाई होकर इधर चला गया, मतलब सेंटर पे ही गुजर गया वो, तो देख रहे हैं चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आगे चल के यहां पर यह कटा, तो जिस जगह पे कटा उस पॉइंट से लेकर के नीचे तक की जो ये इमेज दिख रहा है ना आपको, ये वाला ए से बी, ए डैश बी डैश, हम नाम चीजें दर्शा दिए,
वस्तु है अपना ए बी और ये है अपना ए डैस बी डैस। तो ये इमेज बना दोस्तों। अब समझिए कहां पे बना, इसकी सबसे पहले हम क्या समझते हैं साथियों, इसकी हम समझते हैं प्रकृति। देखिए आप समझिए चीजें को, प्रकृति में हम क्या लिखेंगे समझना है, एक एक चीजें जरा ध्यान दीजिए। प्रकृति में इमेज कहां पे बन रहा है वो तो स्थिति, ये देखिए प्रकृति में सबसे पहले हम जानते हैं दो तीन चीजें के बारे में, और प्रकृति में क्या समझेंगे आइए हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या कि देखिए यहां पे वस्तु है और ये वस्तु का डिस्टेंस आप मेजर कीजिए, ये कितना छोटा नजर आ रहा है और ये कितना बड़ा नजर आ रहा है, आ रहा है ना साथियों, आपको चीजें दिख रहा है साफ साफ, ये अपना छोटा है ये अपना बड़ा है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है बड़ा बना है, बिल्कुल बना है सर। उसके बाद क्या क्या दिख रहा है हमें, सीधा दिख रहा है, ये जिस प्रकार से खड़ा है उसी प्रकार से ये भी खड़ा है, तो हम बोल सकते हैं सर सीधा भी है। अगर सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बना है, बिल्कुल बना है, सीधा बना आभासी बना, जब आभासी इमेज बनता है तो वो सीधा बनता है, हमेशा याद रखना काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक में उल्टा आभासी में सीधा, चीजें क्लियर साथियों। और ये इमेज कैसा बन रहा है तो बड़ा बन रहा है, ये कैसा बन रहा है सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो ये इसकी हो गया क्या आप साथियों, प्रकृति हो गया। आइए अब हम थोड़ा इसकी स्थिति पे डिस्कस करते हैं, इसकी स्थिति साथियों हम कैसे लिखेंगे, समझ समझ के लिखेंगे स्थिति। देखिए स्थिति में माना होता क्या है, चीजें समझिए, स्थिति का मतलब होता है साथियों कि उसका जगह कि किस स्थान पे वो इमेज बना हुआ है। तो आइए स्थान उसका देखते हैं, ये अपना दर्पण है, आपको दर्पण के नहीं लग रहा है कि ये पीछे है, है ना साथियों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा दर्पण के पीछे। क्या चीजें समझ में आ रहा है दोस्तों, चीजें समझ में आ रहा है, ये दर्पण के पीछे बना, बिल्कुल बना, इसकी जो स्थिति है साथियों ये कहां बना, दर्पण के पीछे बना, कहां बन रहा है दोस्तों दर्पण के पीछे बन रहा है, आप लोग को एकदम क्लियरली दिख रहा है ठीक है। तो ये पहला इमेज था, अब दूसरा इमेज इसके पार्ट नेक्स्ट में हम लेकर के आएंगे और आपको चीजें समझाएंगे। अब आप सिर्फ ये बताइए हमें कि क्या इस प्रकार का इमेज अगर हम सबसे नहीं बना के दे दें आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, अब डेली कंटिन्यू वीडियो इस प्रकार से आते रहेंगे। मजा आया तो तब तक के लिए इस भाई को दीजिए इजाजत, धन्यवाद दोस्तों एंड बाय बाय।